की शॉप की माँ को याद कर भावुक हुए बिग बी अमिताभ बच्चन। जैकी को भावुक देख सुनील शेट्टी भी रो पड़े। तो इन दिनों बिग बी अमिताभ बच्चन का पॉपुलर रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति एक बार फिर से फैंस के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। शो में एक तरफ जहां कई कंटेस्टेंट के सपने पूरे होते हैं, वहीं कई किस्से ऐसे होते हैं जिसे देख किसी की भी आंखें नम हो जाएं। कुछ ऐसा ही मंजर एक बार फिर से हाल ही में केबीसी के सेट पर देखने को मिला, जहां अमिताभ के शो में इस बार जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी खास मेहमान बनकर पहुंचे। शो के दौरान अमिताभ, सुनील और जैकी ने जहां जमकर मस्ती की, वहीं सुनील शेट्टी ने जैकी श्रॉफ की जिंदगी से जुड़े एक बेहद इमोशनल किस्से का जिक्र किया, जिसे सुनकर जैकी समेत अमिताभ बच्चन की आंखों में भी आंसू आ गए। दरअसल शो से एक प्रोमो सामने आया है जिसमें सुनील शेट्टी अपने बीते दिनों की दास्तां सुनाते हैं। उस कहानी को सुनते हुए वहां बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। वीडियो में सुनील शेट्टी कहते हैं, बहुत खूबसूरत बात दादा ने कही थी। जब एक कमरे की खोली में था तो माँ खांसती थी और दादा को पता चल जाता था कि माँ खांस रही है, पर जब बड़े घर में गए तो पता ही नहीं चला कि अब वो ही नहीं रही। शो पर सुनील शेट्टी ने ऐसा किस्सा सुनाया कि जैकी श्रॉफ अपने आंसुओं पर कंट्रोल ही नहीं कर पाए और अमिताभ बच्चन के सामने फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद जैकी श्रॉफ ने सुनील शेट्टी को बाहों में लेते हुए उनका माथा चूम लिया। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने कहा, आजकल के जमाने में बहुत कम होती है ऐसी दोस्ती। एक अन्य प्रोमो में अमिताभ बच्चन मस्ती भरे अंदाज में जैकी श्रॉफ से पूछते हैं, ये आपसे ये जो भिड़ू भाषा है इसको आपने कैसे अपनाया। ऐसे में जैकी श्रॉफ ने कहा, आप थे पहले, आप आए, फिर हम लोग तो बाद में आए। जैकी श्रॉफ की इस बात को सुनकर सुनील शेट्टी जोर जोर से हंसने लगते हैं। आपको बता दें कि केबीसी का ये खास एपिसोड 24 सितंबर की शाम को सोनी टीवी पर ऑन एयर होने वाला है। इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉली न्यूज हब।